वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के हम प्रेड में पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ओके, सो व्हाट आर जेनेटिक डिसऑर्डर्स? सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर क्लासिफाइड, ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स कॉल्ड एज, नंबर वन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, व्हाट आर मेंडेलियन डिसऑर्डर्स? द डिसऑर्डर्स व्हिच आर कॉज्ड ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ अ जीन, वन और मोर जीन आर कॉल्ड एज मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। एग्जांपल्स आर थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, फिनिल किटोनूरिया, एक्सेट्रा। तो देखो, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स मतलब क्या? द डिसऑर्डर्स विच आर कॉज्ड ड्यू टू म्यूटेशंस ऑफ वन और मोर जीन्स are called as Mendelian disorders, and the examples are thalassemia, color blindness, hemophilia, phenylketonuria, or ek example lenge sickle cell anemia, etc. So these are the examples of Mendelian disorders. Dusra hota hai chromosomal disorders. So the disorders which are caused due to addition or deletion of chromosome or abnormal arrangement of chromosome are called as chromosomal disorders. और इसके examples है Down's syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome, okay? So chromosomal disorders which are caused due to addition or deletion of chromosome or abnormal arrangement of chromosome are called as chromosomal disorders. So Mendelian disorders and chromosomal disorders. So let us study first thalassemia. See, it is a autosomal inherited recessive disease. It is autosomal inherited recessive disease. It is related with hemoglobin. जो normal hemoglobin होता है, हीमोग्लोबिन, फॉर एग्जाम्पल एचबी इज अ हीमोग्लोबिन, इट इज मेड अप ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। नॉर्मल हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन विच देर आर टू अल्फा चेन्स एंड देर आर टू बीटा चेन्स। अब ये जो अल्फा चेन है, दो अल्फा चेन, वो अल्फा चेन एच बी ए वन और एच बी ए टू, ये जीन्स है जो कि 16th क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। कौन से क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है? 16th क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये दो अल्फा चेन का फॉर्मेशन
अल्फा एच बी ए वन और एच बी ए टू, ये दो जीन्स इन दो अल्फा चेन्स को बनाते ओके वो 16 क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। तो 16 क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन्स है, उनका नाम है एच बी ए वन और एच बी ए टू, ये दो अल्फा चेन्स बनाते वाइल बीटा चेन जो है वो एक ही जीन बनाता है, उसका नाम है एच बी बी। बीटा चेन जो है दोनों बीटा चेन एक ही जीन से कंट्रोल होते हैं, उसका नाम है एच बी बी, वो 11th क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहता है, 11th क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट रहता है ओके। अब क्या होता है अगर इन जीन्स में कुछ डिफेक्ट आ गया, एच बी ए वन एच बी ए टू एच बी बी में कुछ इफेक्ट आ गया, म्यूटेशन हुआ या फिर डिलीशन हुआ, तो फिर डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। अगर 16th क्रोमोसोम में डिफेक्ट है तो अल्फा चेन नहीं बनेगा, देयरफॉर सच थैलेसमिया इज कॉल्ड एज अल्फा थैलेसमिया। अगर 11th क्रोमोसोम के जीन में डिफेक्ट आ गया तो बीटा चेन नहीं बनेगा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज बीटा थैलेसमिया ओके। 16th क्रोमोसोम के जीन्स में डिफेक्ट है तो अल्फा चेन नहीं बनेगी, कॉल्ड एज अल्फा थैलेसमिया। 11th क्रोमोसोम के जीन में डिफेक्ट है तो बीटा चेन नहीं बनेगी, कॉल्ड एज बीटा थैलेसमिया ओके। अब इसके सिम्टम्स क्या है, व्हाट आर द सिम्टम्स? सिम्टम्स क्या है? स्लो ग्रोथ, एबनॉर्मल शेप एंड साइज ऑफ आरबीसी, पेल स्किन, पेल और येलो स्किन, पेल और येलो स्किन, डार्क यूरिनेशन, डार्क यूरिनेशन। सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ थैलेसीमिया ओके। अब ऐसे पर्सन को मैस्यू ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, ऐसे पर्सन को मैस्यू ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट थैलेसीमिया। नाउ सेकेंड डिसऑर्डर डाउन सिंड्रोम, इसकी डिस्कवरी 1866 में हुई थी और वो साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया जॉहन लैंग डॉन डाउन। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड डाउन सिंड्रोम वॉज जॉहन लैंगडॉन डाउन, हु फर्स्ट डिस्क्राइब दिस डिजीज इन 1866। इट इज अ 21st ट्राइजोमी। क्या है ये डिजीज? 21st ट्राइजोमी। देखो बेटा हमारे बॉडी में 23 पेयर्स रहते क्रोमोसोम के, क्रोमोसोम की जोड़ी रहती ना, जैसे ये एक पेयर है क्रोमोसोम का, ये एक पेयर है क्रोमोसोम का, ये एक पेयर है क्रोमोसोम का, ऐसे 23 पेयर्स रहते हैं। सपोज ये 21st पेयर है, ये 21st पेयर है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, तो यहां पे दो की जगह कितने क्रोमोसोम है? तीन। आया समझ में? सो 2n+1 इसको बोलते ट्राइजोमी। दिस इज 21st ट्राइजोमी। अब इस पेशेंट्स के सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स, आई
ऐसे पर्सन में जिसका हेड है वो स्मॉल रहता, हेड इज स्मॉल राउंड, फेस राउंड है और फ्लैट है, ओके, फ्लैट नोज, टंग, उसकी टंग जो रहती प्रोट्रूडिंग, प्रोट्रूडिंग, टंग इज प्रोट्रूडिंग, माउथ इज ऑलवेज ओपन, माउथ इज ऑलवेज ओपन, ओके, जो आईज रहती आईज, सपोज ये आंख है, ओके, तो यहां पर एक स्किन फोल्ड रहता है, इपिकैंथल स्किन फोल्ड इन आईज आर प्रेजेंट, तो आंखों में यहां पर इपिकैंथल स्किन फोल्ड होता है, इपिकैंथल स्किन फोल्ड, जो हाथ रहती हमारे हाथ में जो लकीरी रहती, ओके, कॉल्ड एज पामियन क्रीज, तो ऐसे पर्सन में एक ही क्रीज रहती, एक ही ऐसी क्रीज रहती, एक ही लकीर रहती ऐसी, आया समझ में, सो सिंगल पामियन क्रीज, दे आर मेंटली रिटार्डेड एंड हैव पुअर इंटेलिजेंस, दे आर मेंटली रिटार्डेड एंड हैव पुअर इंटेलिजेंस, सो दिस इज ऑल अबाउट डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम आप टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम जो है उसको एक्स मोनोजोमी या फिर एक्स ओ फीमेल्स बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स ओ फीमेल्स, इनमें 44 ऑटोसोम्स तो है, ओके, लेकिन जो सेक्स क्रोमोजोम है उसमें एक एक्स क्रोमोजोम एब्सेंट है, उसकी जगह पर हम यहां पे ओ लिखेंगे, दूसरा सेक्स क्रोमोजोम एब्सेंट है, दूसरा सेक्स क्रोमोजोम यहां पे कैसा है, एब्सेंट है, तो ये फिनोटिपिकली, फिनोटिपिकली ऐसे पर्सन फीमेल होते हैं, ऐसे पर्सन फीमेल होते हैं, इनके सिम्टम्स देखा जाए तो शॉर्ट स्टैच्योर, इनकी हाइट कम होती है, वेब्ड नेक, वेब्ड नेक, तो ये गला थोड़ा सा शॉर्ट होता है और पफी होता है, वेब्ड नेक, लोअर पोस्टीरियर हेयर लाइन, लोअर, सॉरी, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, लो पोस्टीरियर हेयर लाइन, ब्रॉड शील्ड शेप्ड चेस्ट, ब्रॉड शील्ड शेप्ड चेस्ट, पुअरली डेवलप्ड ओवरीज एंड ब्रेस्ट, पुअरली डेवलप्ड ओवरीज एंड ब्रेस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट लो इंटेलिजेंस, लो इंटेलिजेंस। तो देखो टर्नर सिंड्रोम 44 ऑटोसोम से विथ एक्सओ, इसका मतलब 2n-1, एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, तो फिनोटाइपिकली फीमेल है, शॉर्ट स्टैच्योर, वेब्ड नेक, लो पोस्टीरियर हेयरलाइन, ब्रॉड शील्ड शेप्ड चेस्ट, पुअरली डेवलप्ड ओवरीज एंड ब्रेस्ट, लो इंटेलिजेंस, सो दिस इज ऑल अबाउट टर्नर सिंड्रोम। अब नेक्स्ट है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, Thank you.
ओके इसमें एक्स एक्स के साथ वाई क्रोमोसोम होता है और ये मेल रहते हैं मेल्स, ऐसे मेल्स को फेमिनाइज्ड मेल्स बोलते हैं। ओके ऐसे मेल को फेमिनाइज्ड मेल बोलते हैं और इनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है। ओके अब एक्स वाई तो मेल है ना, एक्स वाई तो मेल है लेकिन ये एक्स एक्स्ट्रा है तो ये फेमिनाइज्ड मेल है, फेमिनाइज्ड मेल है। ओके अब इनके सिम्टम अगर देखा जाए तो इनकी वॉइस, इनके बॉडी के कैरेक्टर्स, वॉइस आवाज जो है हार्श रहती, हार्श वॉइस। ओके एंड मस्कुलाइन डेवलपमेंट, बॉडी मस्कुलर रहती, मस्कुलाइन डेवलपमेंट, बॉडी कैसी इनकी मस्कुलर है। उसके बाद में ये इंडिविजुअल मेल है, दे आर टॉल एंड हैव अंडर डेवलप्ड टेस्टिस एंड हैव अंडर डेवलप्ड टेस्टिस। मेल है तो टेस्टिस है लेकिन अंडर डेवलप्ड टेस्टिस है। ओके इनके जो आर्म है वो लॉन्ग है, लॉन्ग आर्म्स, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है इनमें, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स इज कॉल्ड एज गायनेकोमास्टिया। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स इज कॉल्ड एज गायनेकोमास्टिया। अब देखो टेस्टिस अंडर डेवलप्ड है इसलिए नो स्पर्मेटोजेनेसिस, नो स्पर्मेटोजेनेसिस, देयरफॉर द इंडिविजुअल्स आर स्टराइल, देयरफॉर द इंडिविजुअल्स आर स्टराइल। तो आज के पीरियड में हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स देखा, जेनेटिक डिसऑर्डर्स दो टाइप के, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। हमने थैलेसमिया डिजीज लिया, ऑटोसोमल इनहेरिटेड रिसेसिव डिजीज था। ओके उसके बाद में हमने डाउन सिंड्रोम देखा, 21st ट्राइसोमी था। टर्नर सिंड्रोम देखा, उसमें 44 प्लस XO था। और लास्ट में हमने देखा क्लीन फिल्टर सिंड्रोम जिसमें XXY ये मेल्स है, फेमिनाइज्ड मेल, जिसमें वॉइस हार्श है, मस्कुलाइन डेवलपमेंट है, टॉल है, अंडर डेवलप्ड टेस्टिस है, लॉन्ग आर्म्स है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है कॉल्ड एज गायनेकोमास्टिया और नो स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टराइल है। ओके तो बेटा हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर ये आज के पीरियड में कंप्लीट हुआ। ओके बाय स्टूडेंट्स।